और सबसे पहले बात कर लेते हैं अनुराग सांगवान की, जिन्होंने एनडीए में टॉप किया है। तो हरियाणा न्यूज ने एक्सक्लूसिव बात की है एनडीए टॉपर से, क्या कुछ कहा है चलिए आपको सुनवाते हैं। में अनुराग सांगवान ने टॉप किया और मेरे साथ खुद अनुराग है, अनुराग से ही जानता हूं। अनुराग, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयां कि आपने एनडीए में टॉप किया है। कहां से आप इंस्पायर हुए, किस तरीके से आपके मन में सारी चीज? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, यानी ये मेरा ही नहीं पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रीय स्तर वाले पेपर पे एग्ज़ाम में हम हरियाणा वाले किसी से पीछे नहीं है। सर प्रेरणा की बात रही तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जब मैं गांव में जाता था और मैं देखता था कि मेरे देश मेरे गाँव से जब इतने जवान गए हुए हैं, मेरे गाँव में इतने शहीद हो चुके हैं जवान, तो एक अपने आप ही अंदर भावना का उत्सर्ग होता है कि अगर मेरे गाँव के लोग इतना कर सकते हैं, मेरे गाँव में पहले लोग इतना कर चुके, तो मैं क्यों नहीं अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित करूं। एनडीए की परीक्षा में तमाम कॉम्पिटिटर रहे होंगे, देश के अलग अलग हिस्से से जो लोग थे, वो कितना टफ मानते थे आप? सर मैं बस यही कहता हूं कि एनडीए की रिटर्न एग्जाम के लिए अगर आप सही गाइडेंस पा सकते हैं और अच्छे से मेहनत करते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुश्किल है, सब कुछ मुमकिन होता है, बस मेहनत करनी होती है। अगर आप मेहनत करते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। आपकी इस मेहनत के पीछे किसको श्रेय देते हैं, किन लोगों ने आपको यानी कि सपोर्ट किया? और मॉरल सपोर्ट एक बहुत ज़रूरी है और फैमिली कहीं ना कहीं सपोर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर मैं यही बोलूँगा कि मेरी इस सफलता के पीछे मेरे गुरुजन, मेरा परिवार और मेरे दोस्त ही हैं जिनके बिना ये चीज़ कभी संभव नहीं हो पाती। सर जी आप एक युवा हैं, मात्र 17 साल की उम्र में आपने टॉप किया है, देश का यानी कि हरियाणा का देश में नाम किया है। साथ ही साथ मैं एक जानना चाहूंगा, युवा जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं अब गलत ट्रैक पे हो जा रही हो, चाहे नशे की बात करूं या फिर अलग अलग ट्रैक है, तो उनको क्या मैसेज एक कन्वे करेंगे? सर मैं बस यही कहूंगा, अगर आप एक बहुत ही बड़ी चीज़ के प्रति अपनी श्रद्धा बना लेते हैं, जैसे देश सेवा के प्रति अपनी श्रद्धा बना लेते हैं, तो ये छोटी मोटी चीज़ें अपने आप रास्ते से हटनी शुरू हो जाती हैं। उसका ऐसा कोई कारण नहीं है, बस अगर देश का युवा सही दिशा में चलता है और हम अगर सभी युवा मिल के साथ में काम करते हैं तो सर सब कुछ संभव है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे समाज को मलिन कर पाएगा। फिर परिवार की बात करूँ, सबसे ज़्यादा किसने आपको फेवर किया, सपोर्ट किया? सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि परिवार किसी एक इंसान से नहीं बनता, वो सबके मेल और मिलाप से बनता है। जब हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे पिताश्री का जो इसमें योगदान था वो एक अलग स्तर पे था और मेरी माताश्री का वो एक अलग स्तर पे था, दोनों ने अपनी ओर से जो वो अपने एरिया में कर सकते थे उन्होंने करके दिखाया, और इस पे मैं यही कहूँगा कि उन्हें तोला नहीं जा सकता है शायद उनके योगदान को। आज दादा दादी के पास आप हैं, कितना आपको दुलार मिला, क्योंकि लगातार आप बिजी रहते हैं कहीं ना कहीं पढ़ाई में, किस तरीके से देखते हैं कि आज परिवार के साथ हैं, दादा दादी के साथ आप? सर परिवार के सभी जो मेंबर हैं वो बहुत खुश हैं, उसका कारण यही है कि उन्हें बहुत खुशी होती है कि उनकी मेहनत आखिरी में सफल हुई है। अब देश के लिए क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या विजन लेके चलेंगे? सर मैं बस यही बोलूँगा कि आज भी और हमेशा मेरे मन में बस यही है कि मैं अपने देश के लिए अपने जीवन को जितना समर्पित कर सकता हूँ, अपने देश के लिए मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ, मैं उसके लिए तैयार हूँ। लास्ट मैसेज उन युवाओं के लिए जो अभी भी कहीं ना कहीं नशे की तरफ हैं, क्योंकि एक आप मात्र 17 साल की उम्र में आपने एनडीए टॉप किया है, और साथ ही साथ उनको क्या एक मैसेज देंगे किस तरीके से, क्योंकि पढ़ाई से दूर जा रहे हैं लेकिन नशे की तरफ वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं? सर मैं यही कहूँगा कि नशे और ये तो बहुत छोटी चीज़ होती है, अगर आप देश के प्रति अपनी मातृभूमि के प्रति अगर प्रेम का नशा कर पा रहे हैं तो छोटे मोटे नशे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। हाँ तो बिल्कुल, ये थे मेरे साथ अनुराग सांगवान, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि इनके गुरुजन, इनके परिजन और इनके मित्रों का काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने इनको सपोर्ट किया और उस सपोर्ट के कारण आज देश में हरियाणा का जो डंका है एक बार फिर कहीं ना कहीं अनुराग ने बजाया है। गुरुग्राम से कैमरामैन मुकेश के साथ संजय राठौर। हरियाणा का नाम एक बार फिर से गर्व से रोशन हुआ है। हरियाणा के छोटे अनुराग सांगवान ने कमाल करते हुए एनडीए की परीक्षा में देश भर में टॉप किया है। खेल में हरियाणा का नाम होता ही था लेकिन अब एनडीए में भी हरियाणा का नाम जुड़ गया है, तो गांव में खुशी का माहौल है, परिवार वाले भी बेहद खुश हैं इस उपलब्धि से। तो ये चार तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनडीए टॉपर अनुराग सांगवान और बेटे की उपलब्धि पर गर्व है और कड़ी मेहनत से उन्होंने ये सफलता हासिल की है।
गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल है, बधाई का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। दादू दादी के साथ रहकर अनुराग पढ़ाई करते थे, आप कुछ देर पहले सुन भी रहे थे अनुराग सांगवान को एक्सक्लूसिव हरियाणा न्यूज पर, जहां पर उन्होंने बातचीत में ये भी कहा कि कड़ी मेहनत से ही उन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई है। तो हर माँ बाप को और बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि भाई बच्चों को शिक्षा दो। जैसे अनुराग सांगवान का भारत में पहला नंबर आया है, हमारे हरियाणा का नाम रोशन किया है, हमारे जिले का नाम रोशन किया है, हमारे गांव का नाम रोशन किया है, हम तो इससे फूला नहीं समा रहे। इतनी खुशी है गांव में कि हमारे सबसे पहले बात तो हरियाणा का नाम रोशन किया है उसने। एक छोटा सा प्रदेश होते हुए उसमें हर तरह के खिलाड़ी भी हैं कि भाई एजुकेशन में भी है, तो खुशी की यही बात है कि एनडीए में AIR 1 मिली है मुझे। अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो सफ़र था इसमें मेरे गुरुजनों का, मेरे दोस्तों का और मेरे परिवार का बहुत अहम हिस्सा था। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम मेहनत करते हैं तो कोई भी मंजिल पाई जा सकती है और मेहनत ही वह सफलता का सूत्र है जिससे सब कुछ हासिल हो सकता है। कितनी प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मेरी पहली प्राथमिकता इंडियन आर्मी की है क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन आर्मी भरी थी और सेकंड प्रेफरेंस एयरफोर्स थी। बेहद खुशी हो रही है जी, सब आप लोगों का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है जी। कब से तैयारियां कर रहा था, कौन सा एग्जाम दिया है? ये इसी साल से किए, ये घना लंबा समय नहीं लेता जी। ये प्लस टू की भी तैयारी करी और इसकी एनडीए की भी तैयारी करी। 8 जनवरी से 18 फरवरी तक इसका मेडिकल टेस्ट चला है और फिजिकल वगैरह, और 24 को फिर इसका प्लस टू का पेपर शुरू हो गया था। तो बेस्ट टाइम था इसका और इसने कभी भी मुड़कर नहीं देखा। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और अगर लक्ष्य निर्धारित करके उसके लिए प्रयास किए जाएं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ऐसा ही कुछ करके दिखाया चरखी दादरी के अनुराग सांगवान ने। अनुराग की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री ने भी अनुराग को बधाई दी है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिजनों से फोन पर बातचीत की है। अनुराग सांगवान ने एनडीए परीक्षा में टॉप करके अपने परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। सीएम ने अनुराग के परिवार और उनके अध्यापकों को सफलता का श्रेय दिया और कहा कि भविष्य में अनुराग के किसी भी सहयोग के लिए हरियाणा सरकार हमेशा तैयार रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बेटा अनुराग जो है एनडीए के एग्जाम में इसने यूपीएससी को टॉप किया है। शाम को अनुराग से ही बात हुई थी मेरी, उसको भी बधाई दी मैंने। अच्छा हमारे आप लोगों का भी नाम रोशन हुआ, आप लोगों का भी नाम रोशन हुआ और गांव के नाम को रोशन किया, जिले के नाम को किया, हरियाणा के नाम को रोशन किया, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत तो अनुराग ने की, आप लोगों का सहयोग ज़्यादा रहा क्योंकि आप माता पिता का तो बहुत बड़ा सहयोग होता है। फिर उसके अध्यापकों का, उसके जितने भी पढ़ाने वाले लोग हैं सबको ही श्रेय जाता है इस बात का कि उसको टॉप पोजीशन मिलने में उसकी अपनी मेहनत तो है ही है, लेकिन सहयोग करने वाले तो सब हैं। अच्छा, प्लस टू का भी आना है लगता है। बहुत अच्छा है, उसने इतनी मेहनत करके और यहाँ ये पोजीशन पाई है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। और कभी भी इस बालक के लिए आगे बढ़ने में किसी बात की आपको कोई आवश्यकता महसूस हो, आपको कोई हमारा सहयोग चाहिए तो हम पूरा सहयोग करेंगे उसका। तो हरियाणा के अनुराग सांगवान ने एनडीए में ऑल इंडिया में टॉप किया है। साधारण से एनडीए टॉपर बनने की कहानी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। चरखी दादरी के गांव चंदेनी के रहने वाले हैं
अनुराग सांगवान। और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, सबसे अहम बात यह है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बिना कोचिंग के एनडीए में चयन हुआ है अनुराग का। स्कूल टाइम में अनुराग ने कई पुरस्कार भी जीते हैं, यानी कि शुरुआत से काफी मेधावी रहे हैं। अनुराग के पिता मानेसर में फाइनेंस कंपनी में मैनेजर हैं। दादा दादी के साथ रहकर अनुराग पढ़ाई कर रहे थे। माँ गुरुग्राम के एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षिका है। तो साधारण से एनडीए टॉपर बनने की कहानी अनुराग सांगवान की। बेटे के लिए पिता ने घर छोड़ा था और हरियाणा के अनुराग सांगवान ने एनडीए में ऑल इंडिया में टॉप किया है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। चरखी दादरी के गांव चंदेनी के रहने वाले हैं अनुराग सांगवान।